भाइयों भाइयों के, मैं अपने भाइयों को आमने सामने आने ना आए मेरे भाई, इसलिए मैं डर रहा हूं। आप जानते हैं मैंने कभी जान की परवाह नहीं की और ना मैं कभी कर सकता हूं। मेरे खून का कि कतरा कतरा वंचित वर्गों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन इस परिवार को एकता बनाने मुझे बहुत समय लगा है। मैं इस समाज के लिए जी रहा हूं, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हो, जो लोग मेरे साथ जिन्होंने काम किया, जो लोग मेरे दर्द को समझते हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। वो वंचित वर्ग के लोग हों या जिनको कहा जा रहा है कि उनका चला जाएगा, उनको भी मैं कह रहा हूं। मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को कह रहा हूं, अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, मेरा भरोसा करो। मैं संकल्प दे कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का संकल्प करके कह रहा हूं, किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा और जिसकी जो हिस्सेदारी बैठती है उसको मिलेगी। लेकिन आप संयम रखो, किसी के कठपुतली मत बनो, किसी पर टिप्पणी मत करो। और मैं अपने संगठन के साथियों से कह रहा हूं, जो हमसे लोग जुड़े, जो मैंने आपको कोड दिए, आप समय समय पर आंदोलन के बीच में उन कोडों का प्रयोग करना, आपको पता लग जाए कौन भार का आदमी आपके उसमें। और जैसे ऐसा आदमी तत्काल वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हमारे लोग सड़कों पर आए और फिर उनका इस तरह से मिसयूज किया जाए, फिर इनको दोनों भाइयों को लड़ा दिया जाए। ये दोनों ये वंचित वर्ग के लोग हैं, इनमें ये मार्शल कौम है जिन्होंने अपने शौर्य अपने बल पे जो है बहुत सारे संघर्ष किए, विरोधियों को धूल चटा दी। दुश्मन आपकी ताकत से डर गया है इसलिए आपको बांटना चाहता है। और मुझे मेरा एकमात्र जो उद्देश्य है वो महान पुरुषों का जो सपना था कि हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और सबको सम्मान का जीवन मिले। मैंने कई बार आपसे कहा क्या मिलता है बजट में हमें, कौन कितना कितना ऐसे आप जानते हैं। मैंने अलग से सफाई कर्मचारियों के लिए बजट की मांग की थी कि उनको उतरना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने लोगों के प्रति हूं और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, शांति प्रिय तो आप लोग हैं लेकिन संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हो। और एक मैंने कहा ना, दुश्मन के मोहरे नहीं बनना, उचित टिप्पणी नहीं करनी अपने लोगों, भाई भाई के साथ नहीं लड़ता है, कभी नहीं लड़ता, लड़ना भी नहीं चाहिए। 2-4 हजार नौकरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होना चाहिए, जरूरी है कि जो जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के मोहरे बनके नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, और समाज समझदार है और दुश्मन देखे कितना समझदार है, भाइयों को भाइयों से लड़ा रहा है। वरना अलग से भी 10% 5% दे सकता था, लेकिन फिर भाई भाई से लड़ते तो वो तमाशा कैसे देखता। और गजब का खेल, जो लोग देने का वादा कर रहे हैं वो राजस्थान में समर्थन भी कर रहे हैं बंद का। कई खेल चल रहे हैं, बहुत सावधान रहिए।